हाँ जी गाइस, तो अभी अभी मेरे पे न्यूज आई है कि सना मकबूल जीत गई है भाई बिग बॉस। देखो मैंने ना बहुत पहले बता दिया था, बट इस वाले में उतना मजा नहीं आया। तो सना मकबूल के बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी जीतने के बाद एल्विस यादव का उन पर रिएक्शन आया है। और यहाँ पर एल्विस यादव का कहना है कि मैं भले ही कटारिया को सपोर्ट कर रहा था, पर सना मकबूल के बारे में मुझे शुरू से ही लग रहा था कि सना मकबूल ही विनर बनेगी। जी हाँ दोस्तों, एल्विस यादव ने अपने ब्लॉग में बोला है कि सना मकबूल को लेकर वो हमेशा पॉजिटिव थे और उनको हमेशा से ये लग रहा था कि सना मकबूल ही विनर बनेगी, भले ही वो क्यों ना लोकेश कटारिया को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ जी गाइस, तो अभी अभी मेरे पे न्यूज आई है कि सना मकबूल जीत गई है भाई बिग बॉस। देखो मैंने ना बहुत पहले बता दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि सना मकबूल ही जीतेगी। मुझे अंदर से इंस्टिंक्ट था ऐसा कि पता नहीं, मतलब मेरे को लगता था हमेशा कि भाई सना मकबूल ही जीतेगी, ऑल्दो हम कटारिया को सपोर्ट कर रहे थे। बट इसके साथ ही सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी तो जीत चुकी है, पर विनर बनने के बावजूद भी वो जो हाइप होता है, वो जो क्रेज होता है विनर बनने के बाद, वो वाला बिल्कुल भी नजर नहीं आया इंटरनेट पर। और देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई इस सीजन का फिनाले जो है वो हो चुका है और विनर अनाउंसमेंट हो चुका है। चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल ही ठंडा सा था। कटारिया जब आउट हुआ उसके बाद बिग बॉस की व्यूअरशिप बहुत कम हो गई। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे इस बार सना मकबूल विनर बनी तो वाला हुआ मचा के वो विनर बनी। ऐसा था कि इट वॉज जस्ट लाइक नॉर्मल, नोबडी नोज इट। मम्मी कसम खा रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि वो वाले मेरे को क्रेज नजर नहीं आया कि भाई ओहो सना जीत गई। ऑल्दो मेरे को पसंद थी वो, मतलब पसंद है अभी भी। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि जब से उसने एंट्री ली है कि भाई सना मकबूल इज गुड डिजर्विंग, हमेशा से वो कहती है कि मुझे विनर बनना। नो डाउट विनर भी बनी, उनको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस मेरी साइड से। बट मुझे वो वाला हवा नजर नहीं आया। हवा समझ रहे हो तुम लोग, की खर्चे हो जाते हैं जैसे कि वो फलानी वो जीत गई। साथ ही इस बार बिग बॉस OTT 3 सीजन जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उतना इंटरटेनिंग नहीं था, नहीं TRP उतना अच्छा गया, नहीं व्यूअरशिप अच्छा मिला। और इस चीज पर एल्विस यादव रिएक्ट किए। यहाँ पर एल्विस यादव का कहना है कि भाई बिल्कुल भी मजा नहीं आया इस बार के सीजन में। और उन्होंने बिग बॉस के मेकर से भी क्या बोला है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी भाई सना मकबूल को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। नेजी भाई पहुंचे टॉप 2 में, नेजी था 3rd में, रणवीर शोरे 4th में, साई केतन 5वें पे, कृतिका भाभी। सही है यार, इस बार बिग बॉस के सीजन में उतना मजा नहीं आया। बिग बॉस वाले देख रहे हो तो भाई तुम्हें बता दूं मजा नहीं आया इस बार। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए खबरी मैन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।